आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक का आप मिनी ब्रांच किस तरीके से लेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक का मिनी ब्रांच आप किस तरीके से लेंगे। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में बताया हूं कि किस तरीके से आप पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक मिनी ब्रांच बैंक के लिए आप किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जो साइबर कैफे या दुकान वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया हमको पीएनबी का मिनी ब्रांच के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिनी ब्रांच तो लेना चाहते हैं, जैसे स्टाफ वगैरह हो गया कि भैया हमको लेना है हमको लेना है, मगर उसको पता नहीं होता है कि कैसे लिया जाता है। तो वो साइबर कैफे वाले के पास या जो सब चलाते हैं दुकान चलाते हैं उस सबसे पूछते रहते हैं कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है ना। जबकि बहुत सारे ऐसे दुकान वाले हैं जिनको खुद पता नहीं होता है कि किस तरीके से पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक के मिनी ब्रांच के लिए किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा किस तरीके से आप पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक मिनी ब्रांच के लिए आप किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है पीएनबी मिनी ब्रांच के लिए, ये देखने के लिए भैया आपको इस वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखना होगा, तभी आप समझें किस तरीके से पीएनबी मिनी ब्रांच के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने ब्राउज़र में टाइपिंग करेंगे www.sanjeevinivf.org.in तो आपको कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन आ जाएगा। यहाँ आपको देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले आपको यही ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ बोल रहा है नकली ठग एवं धोखाधड़ी से सावधान, और आप इस टर्म एंड कंडीशन जो भी है इसको आप सिंपल तरीके से रीड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ जो टर्म एंड कंडीशन को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, इसके बाद सिंपल इसको हम कट करेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ संजीवनी वेबसाइट की यह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। इसके बाद सिंपली आपको इसको जो भी अगर रीड करना है तो इसमें अपना रीड कर सकते हैं ग्राहक सेवा केंद्र। इसके बाद सिंपली आप यहां देख रहे हैं सीएसपी रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, यहां कुछ टर्म एंड कंडीशन जो आप बहुत अच्छी तरीके से यहां पर रीड कर सकते हैं। तो यहां से आप देख रहे हैं कि यहां पहला जो है पूछ रहा है कि आपको कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए, दूसरा वो है कि आपको बोल रहा है कि आप मैट्रिक या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तीसरा है कि आपको बोल रहा है कि कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आपके पास होना ही चाहिए, चौथा है कि आपको जो काग देश में पूंजी लगाने की क्षमता हो। इसके बाद यहाँ है कि आपको पूछा जा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पांचवा है कि आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, जो अगर आपको कुछ काम दिया जाए तो उसको जिम्मेदारी से कर सके, ना कि इसको आप ऐसे वैसे करके टाल सके। यहाँ कर्मठ और जो लेबरियस होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, वो आपका छठा में आ गया है। सातवां है कि बेरोजगार व्यक्ति होना चाहिए जो घर पर हो बैठी हो, जिसका मतलब है कि कोई सरकारी काम नहीं हो उसके पास या कोई बड़ा कंपनी नहीं हो, तो वो वैसा व्यक्ति इसमें एम्प्लॉयड जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था जो काम करते हैं वो इसमें तो बिल्कुल ही अप्लाई ना करें। अगर आप इतने क्राइटेरिया या फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहां आवेदन करें पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये छोटा सा फॉर्म जो है फिर ओपन होकर आ जाएगा, आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। इसके बाद भैया यहाँ है फर्स्ट वाले कॉल में आपका नाम डालना है, यहाँ आपका मोबाइल नंबर एक डाल देना जो डेड नहीं हो चलता अवस्था में हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल देना है, स्टेट आप इसमें से चूज कर लेंगे जो भी स्टेट है तो इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना, जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट आप इसमें से सिंपली आप इसको चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना तहसील सिटी जो है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, यहाँ ब्लॉक एरिया का जो भी है यहाँ डाल देना है, यहाँ क्यूरी क्वेश्चन जो भी है सुनो इसको डाल देना है, डाल के यहाँ सिंपली हमको कर देना है सबमिट वाले पे ओके। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म अब जो फिलअप होके जो है पंजाब नेशनल जो भी है ऑफिसर वो ऑफिसर के पास चला जाएगा। इसके बाद वो आपको सिंपली कॉल करेगा, इस तरीके से कॉल करके आपको सारा डिटेल लेगा, आपको जो भी डिटेल आपको इसमें डाले हुए हैं मोबाइल नंबर वगैरह और ईमेल आईडी वो बता देना है सही। तो इसमें से सी एस पी
बिक्री के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ पेमेंट करनी होती है, वो पेमेंट आपको किसी व्यक्ति के नहीं देना है, जबकि सी एस सी रिक्वेस्ट कर सी एस पी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसको देना है आपको। तो जो पैसे देने लेने की बात है, तो पैसे देने की बात आप डिमांड ड्राफ्ट बना के सबसे लास्ट में देते हैं, पहले आप किसी को एक रुपया नहीं देंगे, ठीक है। जो आपका जो पूरा जो है अप्लीकेशन से वेरीफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद जो भी पैसे देने के बाद आएगा तो आप डिमांड ड्राफ्ट बना के उसको जो भी पेमेंट है उसको आप कर देंगे। इस तरीके से आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको उधर से कॉल आने में लेट हो जाता है तो यहाँ सबमिट कॉन्टैक्ट पर ओके करेंगे, यहाँ कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगी, इस पर आप अपना जानकारी ले सकते हैं कि मेरा जो भी स्टेटस है, मैं जो भी फॉर्म फिलअप किया था तो उसका क्या स्टेटस है। तो आप इसको देख रहे हैं कि ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, इसके बाद हेड ऑफिस का भी नंबर है। तो यहाँ से आप इसको आप बहुत ही आसानी से फ़ोन करके उससे बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो बोर्ड का जो भी है मेंबर, उसका पूरा नाम यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपना स्टेट वाइज भी चूज कर सकते हैं कि कहाँ से, चलिए मैं यहाँ भी जैसे बिहार से, तो मैं बिहार पर क्लिक करूँगा। तो ये देख रहे हैं कि बिहार का जितना भी पूरा यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर का है, उसका जो नाम है धीरज कुमार और मोबाइल नंबर ये है। तो ये कोऑर्डिनेटर सब है जो आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको हेल्प करेंगे जो आपको मिनी ब्रांच लाने में। तो अगर आपको जो नज़दीक में जो भी हो इसमें से, उसमें से बहुत ही आसानी से उसको यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज के अनुसार कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में के नज़दीक में आपको डिस्ट्रिक्ट में या है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट में नहीं है अगल बगल में है, तो उसको यहाँ से आप कॉन्टैक्ट पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, और उनसे बहुत ही आसानी से इससे बात कर सकते हैं कि मेरा अब जो प्रोसेस है उसका क्या है। तो वो आपको जो भी है डिटेल वो आपको वहाँ पे जो फ़ोन से बात कीजिएगा तो वो आपको बहुत ही आसान से डिटेल में बता देगा। इस तरीके से इनसे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर में कुछ जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ है SBI लॉगिन और PNB, तो PNB लॉगिन के लिए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि संजीवनी वेबसाइट है जो SBI और जो PNB का है, तो ये संजीवनी ही इसका जो मिनी ब्रांच है, तो ये संजीवनी ही देती है। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से आप जो PNB जो है ब्रांच, इसके लिए आप मिनी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से PNB ब्रांच के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।